हेलो, ये वीडियो कार टी सेल थेरेपी पर है और क्योंकि न्यूज में रही है इसलिए खास का इसका जो इंडिजिनस यानी कि जो देसी जो एक टेक्निक खोजी गई है, थेरेपी जो खोजी गई है उसको अप्रूवल भी मिला है, तो इसलिए इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। कार टी सेल थेरेपी ये क्या है, बेसिकली क्या है, अभी इसके बारे में तो नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव द इंडिजिनस नेक्स्ट कार 19 का टी सेल थेरेपी। ये इंडिजिनस यानी कि भारत ने अपनी तकनीक, भारतीयों ने जो है अपनी तकनीक विकसित की, थेरेपी विकसित की है, किसकी, कार टी सेल थेरेपी की। कार टी सेल थेरेपी की देसी तकनीक से कैंसर के मरीज का इलाज किया गया है, इसलिए ये जो है न्यूज में है। और कार टी सेल थेरेपी का मतलब ये होता है इसका काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, कार टी सेल के फुल फॉर्म ये होती है। अच्छा, अगले थोड़ा सा पेज पे देखते हैं तो और क्लियर होंगी चीज़ें। कार टी सेल थेरेपी को जानने से पहले एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूरी है लिम्फोसाइट की। बेसिकली लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार की WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये पांच प्रकार की होती है वाइट ब्लड सेल्स, उसमें भी लिम्फोसाइट भी एक प्रकार है। और लिम्फोसाइट को भी दो पार्ट होते हैं, दो एक प्रकार से होते हैं, दो मुख्य भाग में बांट सकते हैं, टी सेल्स और बी सेल जो बोन मैरो में निर्मित होती है। तो टी सेल का यहाँ मेंशन करना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बनाया गया। तो लिम्फोसाइट में का ही जो है, लिम्फोसाइट के दो प्रकार होते हैं मेनली, कितने टी सेल्स है और बी सेल्स है। अच्छा, अब टी सेल का क्या है, दे आर इम्यून सेल्स, ये एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षण का काम करती है, बीमारियों से लड़ने का काम करती है। जब भी मानव शरीर में कोई रोगाणु जाएगा, चाहे वो आपके वायरस के माध्यम से जाए या बैक्टीरिया के माध्यम से जाए, ये फंगस यानी कवक के रूप में या परजीवी पैरासाइट के रूप में, या कोई हार्मफुल सेल्स हो जाए जो है, जो हानिकारक कोशिकाएं होते हैं जैसे कैंसर सेल्स, तो उन पर अटैक करता है ये, उनको समाप्त करता है, उनके जो है उनसे लड़ता है ये टी सेल्स। इनका ये काम, इन टी सेल कोशिकाओं का ये काम होता है, यानी कि रोगाणुओं से लड़ना इनका कार्य है जो जिससे इन्फेक्शन पैदा होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल देख लें तो कार टी सेल, जैसे हमने कहा है कि कार टी सेल थेरेपी न्यूज में रही है क्योंकि इसका देसी वर्जन जो भारतीय जो है विशेषज्ञों ने विकसित किया है, डेवलप किया है, उसको नेक्स्ट कार 19 कहते हैं। इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी है ये, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट का हैज़ बीन ट्रीटेड थ्रू इस का नेक्स्ट कार 19, क्योंकि एक कैंसर के मरीज का इलाज किया गया है नेक्स्ट कार 19 जो कि कार टी सेल थेरेपी का इंडिजिनस थेरेपी है, रूप है, थेरेपी का रूप है। अब कार टी सेल क्या होता है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म पहले पेज पे भी डिस्कस किया है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल होती है। टी सेल बेसिकली क्या होता है कि मनुष्य के जो पेशेंट है उसके शरीर से जो ब्लड निकाला जाएगा और फिर जो है उससे जो टी सेल ली जाएंगी, उसको लेबोरेटरी में जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाएगा, उसको जो है उसका निर्माण किया जाएगा जो है जेनेटिकली, और टी सेल को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाएगा उसके बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करके, और उसी को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहते हैं। और फिर ये जो काइमेरिक जो है एंटीजन रिसेप्टर जो टी सेल्स हैं, इनको पुनः उस पेशेंट में इन्फ्यूज किया जाता है, यानी कि पहले टी सेल को निकाला जाएगा, फिर लेबोरेटरी में जो है उसको इंजीनियर किया जाएगा, देन उसको जो है कार टी सेल जो तैयार होंगी लेबोरेटरी में उसको इन्फ्यूज किया जाएगा पेशेंट में, और तब वो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उससे लड़ती हैं और उनको नष्ट करती हैं। तो ये कार टी सेल थेरेपी कहलाती है और इसी का जो है देसी वर्जन जो है, देसी थेरेपी जो है भारतीयों ने विकसित की है, जिसको नेक्स्ट कार 19 कहते हैं। ओके।